नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और अब तो कहानी बहुत बड़ी हो गई है। आपने देखा वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश में एक बार में सभी चुनाव। ये बात जैसे ही उठी है, इसके बाद आज इसे लेकर के एक कमेटी का गठन कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उसके अध्यक्ष होंगे और इसके बाद तरह तरह के रिएक्शंस विपक्ष भी दे रहा है। संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा कि इस पर तो चर्चा बहुत पहले से चल रही थी। और जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट का, उसके अंदर चर्चा होगी। अब ये तो तय है कि इस मुद्दे पर सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन इन 5 दिनों में क्या इसी पर बात होने जा रही है? इसके अलावा क्या इसके पीछे जितनी तैयारी थी वो सरकार कर चुकी है? इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। आज कहानी कुर्सी की में हमारा मुद्दा ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो गया देश के अंदर, तो क्या लोकसभा के चुनाव जल्दी कराए जाएंगे? क्या इसी साल लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, या इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव टाल दिए जाएंगे अगले साल लोकसभा इलेक्शन तक, और उसके बाद फिर जो इलेक्शन पड़ने हैं एक साल के अंदर वो भी एक साथ होंगे? तो क्या ऑप्शंस हैं? 2018 में विधि आयोग ने, लॉ कमीशन ने अपनी बाकायदा एक पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर सारे के सारे फॉर्मूले दिए गए थे, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ये चुनाव कराने के। इसके अलावा जितने राजनीतिक दल हैं देश के अंदर, सबकी राय विधि आयोग ने मांगी थी और वो लिखित में उस ड्राफ्ट का हिस्सा है। वो भी आज हम आपको बताएंगे कि 2018 में कौन सी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के साथ थी और खिलाफ थी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो इसी मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं, सुनते हैं। यह एक अभिनंदनीय प्रयास है, हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है, और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है, यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं।